काल कपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि काल कपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। जनक की बेटी अवध की रानी सीता भटके बन बन में, जनक की बेटी अवध की रानी सीता भटके बन बन में, राह अकेली राह अकेली रात अंधेरी मगर रतन है दामन में। साथ न जिसके चलता कोई, साथ न जिसके चलता कोई, उसके साथ भगवान चले। राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि। भगवान जाने कौन है, पर है तो जिंदा। अस्पताल, अरे मुरीदैया, इसको तो दर्द लगे है, इसको तो बच्चा है? तो चलो रमदैया तेलन के पास ले चलते, दो कदम पे तो घर है, चलो उधर से आ जाओ। चलो चलो, आशा बाशी आराम से। लाश को भी। अरे मर गई बेचारी। राम 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 राम। अरे उसने कुछ बात बात की, कुछ अपने बारे में बताया? कुछ बात नहीं की, बस एक नजर बच्चे को देखा, एक शब्द बोली चंदा, बस ठंडी हो गई। हाँ, पर बोली सच, बच्चा है एकदम चंदा। ये तो पुरानी कहावत है, बिना बाप का बच्चा बहुत सुंदर होता है।
अरे मूर्ख, बाप का हो के बिना बाप का, है तो भगवान का। अच्छा तू ऐसा कर, इसे फौरन लेकर सेठ दीनदयाल अनाथ आश्रम चली जा। हाय राम, 5 मील पैदल? अरे मरती क्यों है, गाड़ी दे दूंगा और वहाँ के मैनेजर घनश्याम लाल के नाम चिट्ठी दे दूंगा, और तू ये ले अपनी मेहनत के पैसे, ये पकड़। हाँ। बाबूजी, एक बच्चा और आया है। हाँ हाँ, अनाथ आश्रम में बच्चा ही आएगा, कोई बूढ़ा नहीं। हाँ तो रमदैया, उस औरत के पास और कुछ नहीं निकला? कोई कागज वागज, चिट्ठी विट्ठी? कुछ नहीं बाबूजी, कैसा कागज कैसी चिट्ठी, महाकंगाल, हाथ पांव गले में एक पीतल का तार भी नहीं था। मुझे तो वो भिखारन नजर आती थी, भगवान जाने किसका पेट किसका बच्चा। गंगा बाई जी, इस बच्चे के माँ बाप के नामो निशान का पता नहीं है। इस चिट्ठी में सिर्फ यही लिखा है कि इसकी माँ ने मरते हुए से चंदा कहके पुकारा था, अब इसको चंदू कहा करो। अच्छा जी। और 9 नंबर की तख्ती इसके गले में डाल दो। अरे अरे, ये क्या करती है? वाह वाह, ये मेरा कपड़ा है। अच्छा, मुकदम को मेरा नमस्ते कहना। कह दूंगी। राम राम। बनो, जानवर मत बनो। तुम तो खाने पीने पर ऐसा गिरते हो जैसे चील कौवे मुर्दा डोर डंगर पर गिरते हैं। और बस्ती में मेरा मुंह काला करवाओगे? लोग कहेंगे घनश्याम लाल जी बेचारे अनाथ बच्चों के पेट भर खाने को भी नहीं देते। अरे दिन में 2-2 दफा तान तान कर खाते हो, शैतानो 2-2 दफा। अरे मुझे क्या देख रहे हो, खा चुके पी चुके, अब क्या मुझे खाने का विचार है? खा जाओ, चलो बाहर चलो। क्यों, क्या विचार है? सुना नहीं हमने क्या बोला? मैं तुझसे बात कर रहा हूं चंदू के बच्चे, और खिलाओ जा। मैं भूखा हूँ, सब लड़के भूखे हैं। मैं भूखा हूँ, सब भूखे हैं, मतलब ये कि तुम सबके सरदार बने हो, लीडर बने हो। आश्रम में अनाथ सेना तैयार की है, अब कुछ नहीं मिलेगा, मार मार के जबड़ी उधर दूंगा, जबड़ी उधर दूंगा, जबड़ी उधर दूंगा। आश्रम में फिर कभी ऐसा चक्कर चलाया तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? आइए बैठिए बैठिए। बच्चों, मैनेजर साहब को नमस्ते करो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे सेठ आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं श्रीमान जी, मैं सब कह देता हूँ। लेकिन मैं समझ गया। प्यारे बच्चों, आज हमारे सेठ दीनदयाल जी के बड़े लड़के का जन्मदिन है, इसी खुशी में उन्होंने मैनेजर साहब के हाथ ये मिठाई तुम लोगों के लिए भिजवाई। बोलो सेठ दीनदयाल जी की जय। बेशक बेशक। मंगलू, ये मिठाई बच्चों में बांट दो। जी बहुत अच्छा।
देखा आपने, एक मिनट में ये सारे काम निपट जाएंगे। बेशक। ये लो 50 रुपए, 100 पैकेट मिठाई के बिके हैं, बाकी तुम्हारे लिए भंडार में रखवा दी। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। अरे वो सूत घी का डब्बा तो निकालो, ये चौथा डिब्बा खाली हो रहा है, याद रहे। रोना से कुछ नहीं होगा विजय, सो जाओ। नींद नहीं आती चंदू, बहुत भूख लगी है। हमारे भागी तो बुरे है, जभी तो हम अनाथ है, जभी तो हमारे माँ बाप मर गए। हमारा क्या दोष है, भगवान का दोष है ना विजय? ऐसा ना बोल, ये पाप है। देखो सो जा, सब लोग सो रहे हैं। सब नहीं सो रहे हैं। क्या बात है जगदीश, बहुत भूख लगी है। भूख तो रोज लगती है, पेट तो रोज खाली रहता है, मगर आज नहीं खाली रहेगा, आज तो पेट जरूर भरेगा। वो कैसे? तुम भी तो सुन चुके हो, हमारी मिठाई भंडार में रखी है। तो क्या, तो क्या तुम लोग चोरी करोगे? जरूर करेंगे। देखो जगदीश, चोरी मत कर, ये तो बहुत बुरा काम है, ये पाप है। बस बस, ये किताब का सबक तो गौरी देवी और घनश्याम हमें रोज पढ़ाते हैं, और दोनों बरसों से चोरी करते आ रहे हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता, वो कभी भूखे नहीं रहते। बिहारी किरण आओ। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाने दूंगा। देख चंदू, हम तो जरूर जाएंगे, तू बीच में मत आ, बोल दिया। ठहरो, एक बात सुनो, हम सब मिलकर घनश्याम लाल जी के पास जाएंगे और कहेंगे। पागल कहीं का, घनश्याम लाल जी के वहाँ खाना नहीं मिलेगा, जूते मिलेंगे जूते, हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा तो तुम लोग दूर रहना, मैं अकेला जाता हूँ। बस घनश्याम बाबू, घनश्याम बाबू, क्या है, क्या शोर मचा रखा है? आग लग गई, चोर घुस आए, बात क्या है? लड़के कह रहे हैं सेठ जी ने जो मिठाई भेजी थी वो तुमने ले ली। सब लड़के जाग रहे हैं, उन्हें भूख के मारे नींद नहीं आती है, हमें मिठाई दे दो ना। तुम्हें मिठाई दे दो, मिठाई ला दे, मिठाई बंद कर दो कमरे, मिठाई तुम्हारी, मिठाई दो, और मिठाई बंद हो जा। देखिए इस बालिश पर छोकरे की हिम्मत। अरे कयामत का छोकरा है, बिस्की गांठ है, बिस्की गांठ। कहता है सब लड़के जाग रहे हैं, आओ चलो देखें। सब सो रहे हैं, देखा कितना झूठा छोकरा है और देखने में कितना भोला लगता है। हर किस्मत कुंवर कन्हैया, स्वाद न जाने माखन का। हर किस्मत कुंवर कन्हैया, स्वाद न जाने माखन का। हंसी चुराए, हंसी चुराए फूलों की, वो कंस है माली उपवन का। भूल न पापी मगर पाप की, भूल न पापी मगर पाप की, ज्यादा नहीं दुकान चले। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, काल कपहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले। एक चले बारात कभी तो, कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरी, 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 राम कृष्ण हरी। बाबूजी, बाबूजी, कौन है बे? कम वक्त आधी रात को भी पीछा नहीं छोड़ते, क्या है? चिट्ठी, चिट्ठी किसकी है?
जमुना प्रसाद मुकादम की है। किसी रमदैया का आखिरी वक्त है, मुझे फौरन बुलाया है। रमदैया? कौन रम? अरे हाँ, वही रमदैया होगी जो इस चंदू के बच्चे को लेकर आई थी। ओ, आज से 10 साल पहले वही चंदू को यहाँ लाई थी। हाँ बाबूजी, आपकी याददाश्त बिल्कुल सच्ची है। वो मेरी औरत है, उसका ध्यान हो रहा है। ध्यान हो रहा है तो होने दो, मैं क्या करूँ। वो कहती है कि आपसे बातचीत किए बिना उसके प्राण नहीं निकलने के। चलिए चलिए ना बाबूजी। अच्छा ठहरो, चलता हूँ। कौन? मैं हूँ घनश्याम। ये लो। ये क्या है रमदैया? चंदू की माँ का जब। हाँ हाँ, कहो कहो। सब कुछ है, का नाम पता। समझ गया समझ गया, और कुछ नहीं था? सोने की चूड़ियाँ। कहाँ है वो? मैंने मुर्दे के हाथ से निकाल कर भेज दिया। चंदू से कहना अपनी माँ की तरफ से मेरे को क्षमा कर। ये लॉकेट और ये चिट्ठी चंदू की माँ के मरने के बाद रमदैया को मिली होगी। ये तो मैं जानती हूँ, और ये भी देख रही हूँ कि ये चिट्ठी चंदू की माँ ने सेठ राजेश्वर नाथ को लिखी थी। मगर इसमें पैसे की क्या बात है? बहुत है, जरा गौर से सुनो। शादी के 2 महीने बाद मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी, जिससे आपको मालूम हो गया होगा कि आपके बेटे श्री राजेंद्र नाथ यानी मेरे स्वामी का देहांत हो गया। उन्हें निमोनिया हो गया था, मैं दुनिया में अकेली रह गई। कुछ दिनों बाद घर में चोरी हुई और सारा सामान चला गया, मकान छोड़ना पड़ा, और आज 2 महीने से भिखारियों की जिंदगी बसर कर रही हूँ। अब मैं माँ बनने वाली हूँ। बीमारी ने इस हालत पर पहुंचा दिया है कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कल पैदल चलकर राजनगर के अस्पताल पहुंचने की कोशिश करूंगी। मैं तो शायद जिंदा न रह सकूं, मगर भगवान शायद मेरे बच्चे को बचा ले। मैंने पहले खत में अपना पता इसलिए नहीं लिखा था कि मेरे स्वामी की मर्जी नहीं थी कि मैं आपसे कोई संबंध रखूं, लेकिन अब मैं बिल्कुल मजबूर हो गई हूं। अगर आपके ख्याल में आपके बेटे के गुनाहों का जिम्मेदार मेरा होने वाला बच्चा नहीं है तो उसे आकर ले जाइए। अब समझी? जब सेठ जी को यह पता लगेगा कि उनका पोता चंदू मेरे पास है तो माली माल, मुंह मांगे दाम लूंगा। चिट्ठी भी है मेरे पास और लॉकेट भी, सबूत के लिए, समझी? क्यों भैया, राजेश्वर नाथ जी की कोठी यही है क्या? यही है। मैं अंदर जा सकता हूँ? जाइए। नमस्ते। नमस्ते। क्या है? चलो भैया, मैं सेठ राजेश्वर नाथ जी से मिलने आया हूँ। नहीं, वो आपसे नहीं मिल सकते। क्यों, क्या कारण है? पहला कारण ये है, सेठ जी का हाई ब्लड है। दूसरा कारण, कपड़ा ठीक नहीं है। किसका? आपका। ये क्या है? भैया सुनो तो, मुझे सेठ राजेश्वर नाथ जी से बहुत जरूरी काम है, उन्हीं के फायदे की बात है, समझे नारायण? सिगरेट तो पीते हो गए? आइए। देखिए, मैं आपके लिए पूरा जोर लगाऊंगा, लेकिन मुलाकात में जरा देर होगी, क्योंकि आज हमारे स्वर्गवासी छोटे बाबू की पुण्यतिथि है, घर में पूजा हो रही है। अच्छा अच्छा, सेठ जी के कितने बच्चे हैं जी? अरे कितने कहाँ, भगवान का दिया तो एक ही था, 11 साल हुए। फिर तो ये सारी धन दौलत या नहीं? बस, है आप तो जेरी बाबू की चांदी है। जेरी बाबू? हाँ, सेठ जी का भाई के पोते। बेटे, 11 वर्ष बीत गए तुम्हें गुजरे हुए, और मुझे अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया, मुझे मौत नहीं आई। बस कीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। आइए बैठिए। कई बार कह चुकी हूँ कि आप इतने निराश ना होइए। दुनिया में आपका नाम जिंदा रखने के लिए आपके छोटे भाई का पोता जनार्दन मौजूद है। जैसे अपनी औलाद इसी भाई की औलाद। दादाजी। कौन? जेरी, आओ बेटे, क्या बात है? दादाजी, ये बड़ौदा फैक्ट्री के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं,
इन पे आपके साइन की जरूरत है। अरे बेटे, मैं तो सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ, अब मेरी साइन की क्या जरूरत है, तुम साइन कर दो ना। दादाजी आप भूल रहे हैं, जुबानी तौर पे तो आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन कानूनी तौर पे सिर्फ बैंक में साइन करने की इजाजत दी है। हाँ, भूल गया हूँ, मैं सॉलिसिटर को कह चुका हूँ, दो चार दिन में कानूनी कार्रवाई कर दूंगा। लो देखे कहाँ साइन करना है। सेठ जी, कोई श्रीमान आपसे मिलने आए हैं। अरे श्रीमान के बच्चे, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि नाम और काम पूछ कर मेरे पास आया कर। नाम और काम बताने में बड़ी अड़ीबाजी कर रहे हैं, बोलते हैं कि काम बहुत गंभीर है। अच्छा तुझा जरूर कोई चंदा मांगने वाला आया होगा, बेटा जाओ उसे कुछ रुपए दे दो। दादाजी इन लोगों को एक पैसा भी नहीं देना चाहिए, इन भिकमंगों ने तो धंधा ही बना लिया है। किसी को अपने गांव में मंदिर बनवाना है, तो किसी को अपनी बेटी के हाथ पीले करने। भगवान जाने अपने बेटी के हाथ पीले करते या अपना मुंह काला करते। खैर दादाजी मैं देखता हूँ। देखा तुमने मेरे राजेंद्र में और इसमें कितना फर्क है। मैंने कहा ना दादाजी तुमसे नहीं मिल सकते, उन्हें डॉक्टर ने मना किया है, उनका सारा कारोबार मैं संभालता हूँ, बल्कि ये समझो कि मालिक भी मैं ही हूँ, समझे। वो तो समझ गया बाबूजी, लेकिन विचार करने की बात यह है कि ये धन दौलत माल असबाब जो छप्पर फाड़ के आपको मिल गया है, सो जल्दी ही धरती फट के गायब होने वाला है। बकवास बंद करो और सीधी तरीके से निकल जाओ यहाँ से, वरना गर्दन पकड़ के निकाल दूंगा। ओ, गर्दन पकड़ने की जरूरत नहीं बाबूजी, मैं खुद ही जाता हूँ, खुद ही जाता हूँ। लेकिन दो चार दिन के बाद मैं राजेश्वर नाथ जी के पोते को यहाँ लेकर हाजिर होऊंगा। पोता? ठहरो बाबूजी, मेरे पास अब टाइम नहीं। अरे अरे सुनो तो सही, क्या कहा तुमने, पोता? हाँ हाँ बाबूजी, आपकी भाषा में ग्रैंडसन। मेरे पास पूरे 11 बरस का, आपकी चाची जी बच्चे को जन्म देते ही चल बसी थी। नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? जीवन के गंभीर और विचित्र रास्तों पर बिना सबूत के घनश्याम लाल एक कदम नहीं करता। ये देखिए, बैठिए, ये रहे वो इश्तिहार जो राजेश्वर नाथ जी ने छापे में दिए थे, नाम और तारीख ठीक है ना, और ये आपकी चाची जी की चिट्ठी जिसमें उन्होंने राजेश्वर नाथ जी को अपनी शादी और गर्भवती होने की खबर दी थी, मगर ये चिट्ठी डाक तक नहीं पहुंच सकी। नहीं नहीं बाबूजी, धरती फट सकती है। आओ इधर। क्या मांगते हो? क्या देते हो? 5,000। 15,000। बहुत ज्यादा, 10 ले लो। बाबूजी मुझे पीछे हटने की आदत नहीं, जल्दी यहाँ कीजिए वरना दूसरी बोली 20,000 की हो जाएगी। ओके। लड़का कहाँ? दूसरे शहर में। मगर आप लड़के को अपने रास्ते से कैसे हटाओगे? इससे तुम्हें क्या मतलब? तुमने बेचा, मैंने खरीदा। चंदू, बाबूजी ये 15,000 धर्म के काम पर लगने वाले हैं, कन्यादान पर खर्च होंगे, आज 12 वर्ष से हम दोनों का लग्न अटका पड़ा है। अच्छा, अभी लगन की जरूरत बाकी है? है भी नहीं भी है, जमाना खराब है बाबूजी, समझो दुनियादारी तो करनी ही पड़ती है। अब देर किस बात की है, वो लड़का कहाँ? हाँ चाबी, चल आइए आइए। क्या छोकरा इतना बदमाश है कि ताला मार के रखना पड़ता? गुंडा है बाबू, गुंडा।
कचहरी से। तुम बात बंद कहो, तुम्हें अपने रुपया लगन की पड़ी है। ये बताओ ये गाड़ी जाती कहाँ है? गाड़ी गाड़ी तो बंबई जाती है बाबूजी। चमकू उधर मैं चाहे जिधर लहराऊं।
भी खोटे, ये लो 30 पैसे खरे, कल कहाँ नाचोगी? पता नहीं बाबूजी, जहाँ पेट नचाएगा। जरा ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अरे मुझसे पूछो, मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ, इसका नाम तो बिजली है, बिजली। क्या बात है, नाम भी बिजली और काम भी बिजली। बिजली भाई, जरा अपने घर का अता पता तो बता के जाओ। अता पता तो बाबूजी सेठ लोगों का होता है, हम गरीबों का खर क्या और पता क्या। अरे मेरा बटवा मार दिया, अरे मेरे भी 4-5 रुपए निकल गए। बाबूजी बाबूजी, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर आपका काम चले तो। अरे जाने बाबा, तू अपना काम कर, यहाँ तो अपनी किस्मत ही खोटी है। ओ भाई, तुम्हारा पाँव गिर गया। अरे हाँ यार, मैंने तो देखा भी नहीं, पर यार तुम खा क्यों नहीं लेते, भूखे तो दिखते हो। मैं पराई चीज क्यों खाऊं? पराई चीज? यार तू तो बड़ा इज्जत आबरू को पकड़ने वाला पंछी दिखता है। देख राजा, इज्जत आबरू को पकड़ के रहेगा तो जिंदगी भर मार खाता रहेगा। ले खा ले। अरे यार सोचता क्या, खा। बाहर गांव से आ रहे हो? ट्रेन से? WT? मतलब टिकट लिया था? पॉकेट बिल्कुल खाली? नाम क्या है? रंजू। कहां से भाग के आ रहे हो? अनाथ आश्रम से। आश्रम से भूखो मरते होगे, आधा पेट खाना मिलता होगा और मार पेट भर के मिलती होगी, है ना? अब तो बेटा मैं तुझे फिर से आश्रम भिजवाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आश्रम नहीं जाऊंगा, मैं आश्रम नहीं जाऊंगा, मरूंगा तो भी आश्रम नहीं जाऊंगा। तो आश्रम नहीं जाएगा? नहीं। तो बराबर ध्यान से सुन, चाहे कोई भी तेरा गला क्यों ना काट डाले, पर आश्रम की बात किसी से नहीं कहेगा। नहीं कहूंगा। ये हुई पहली बात, और अब दूसरी बात सुन, चाहे कोई भी आदमी माँ बन के, बाप बन के या चाचा बन के कैसे भी पूछे, अपना असली नाम नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा। पक्का? पक्का। तुम मेरे दोस्त बन जाओ। समझो बन गया, चला मेरे साथ। अरे वाह पंडित जी, क्या पत्ता खेचा रन रमी। कैसा खेचा, मानते हो धर्मदास? मान गए मान गए, ऐसा मालूम होता है आज आप महालक्ष्मी के मंदिर से होके आ रहे हैं। खूब पकड़ा धर्मदास, बस वहाँ से दर्शन करके सीधा ही आ रहा हूँ। हेलो जरी। हाय धर्म। आओ जरी पत्ते बांटो। नहीं यार अभी नहीं, जरा इधर आओ, कुछ काम है। कहो। कहना यह है कि शहर के कम से कम 2-3 दादा तुम्हारे जिगरी दोस्त हैं। मेरे नहीं, पैसे के। खैर तुम मतलब पढ़ाओ। मतलब यह है कि किसी कारीगर दादा को पकड़ो, एक लड़का तलाश करना है, काम होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, पैसे की बिल्कुल परवाह मत करना। पैसा पीछे काम पहले। जेरी यू आर माय बेस्ट फ्रेंड इन होल ऑफ इंडिया। अच्छा लड़के की शक्ल सूरत पता? पता ठीक से देखा तो मैंने भी नहीं है, 10-11 साल का गोरा चिट्टा लड़का है, लोग चंदू कहते हैं। चंदू। आओ, अरे आओ ना। क्यों बेड़ो, ये साथ में कौन बीमार है? अबे बीमार नहीं है तो अपना यार है। होशियार है या बेकार है? बस कर बे, उस्ताद से मिलवाने लाया हूँ, चल दरवाजा खोल। अबे कह तो चुका हूँ, उनका नाम है भगत राम भंडारी। कदम बढ़ा जवान। हाँ दीनू लावे, तू क्या लाया? 5 रुपए।
दस नए पैसे। दस? 5 रुपए और 10 नए पैसे। मैं देखता हूँ तो दिन ब दिन काम चोर होता चला जा रहा है। काम चोर किस्मत से कैसे लड़ना उस्ताद, भगवान ने जितना दिलवाया उतना ही दे दिया। अरे गधे के बच्चे, मैं 25 टाइम कह चुका हूँ कि भगवान बुद्धू और भोंदू लोगों का साथ नहीं देते, वो तो कारीगर और हुनरमंदों का हाथ बटाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दुनिया में नाम कमाओ, पैसा कमाओ, इंसान बनो इंसान। अगर तुम लोगों को इंसान बनने का शौक ही नहीं। इधर देखो, देख रहा हूँ बड़ा प्यारा बच्चा है, दूध की बास यहाँ तक आ रही है। टिंगू मास्टर, या या या, बोल तुझे कहाँ भेजा था? गया था उस्ताद, 4 बार गया था मगर वहाँ से माली नहीं मिला। राम खोर, 3 रोज से खाली हाथ चला रहा है। कान पकड़ खड़ा हो जा। अरे उस्ताद, तुम तो मस्करी कर रहे हो, ये बच्चा डर रहा है। ओहो, अच्छा बच्चा डर गया है। अरे बेटे, मैं तो यूं मस्करी कर रहा था, ये अपना टिंगू मास्टर है ना, टिंगू मास्टर। अरे अरे, बड़ा मजबूत छोकरा है, 4-5 झापड़ तो कल्ले पे तो झाड़ कर यूं फेंक देता है। अच्छा बेटे, तेरा नाम क्या है? अभी नया है ना उस्ताद, इसलिए शर्माता है। इसका नाम बुलबुल है। बुलबुल? हाँ, बड़ा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। क्यों बेटा, कहाँ से उड़े चले आ रहे हो? घोंसला कहाँ है? ये तो उसको याद नहीं उस्ताद, सीधा अस्पताल से भाग के आ रहा है। क्या मतलब? वो बोल रहा था कि उसको बुखार आया था, फिर जब अच्छा हुआ तो कुछ भी याद नहीं रहा, एकदम भूल गया। हाँ, तो तेरे को अस्पताल में लेने के लिए कोई नहीं है इस दुनिया में? तेरा कोई नहीं? हाँ उस्ताद, सिवाय एक भगवान के। अरे रेंडे भगवान को, भगवान तो धन वालों के हैं, कंगालों के भगवान तो भगत राम हैं, भगत राम। बिल्कुल ठीक है उस्ताद, बिल्कुल ठीक है, मगर उस्ताद नए चेले की खुशी में टिंगू मास्टर को माफ कर दो ना। नहीं 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 नहीं, मैं माफ नहीं कर सकता, लेकिन देख तू कहता है ना, तो मैं इसे आधी माफी दे सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी छोकरों के सामने जलील तो जरूर करना होगा, जरूर करना होगा। चल रहे टिंगू मास्टर, सामने आ जा। आए तुम सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। चल रहे वो जनाने वाला गाना सुना, पतली कमरिया सुनाना। मोरी छोटी उम्र, मेरी पतली कमर, मोरी तिरछी नजर, आई कहने फिरने मजरिया, हमने कहे ले बड़ा। सब खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, देखो बिजली जाने कुछ कड़क रही। ये कालिदास, ये ले जल्दी से एक साबुन ले गया। दीदी आज तो सरकारी सुधार आश्रम से पूरे 6 महीने के बाद छूट के आ रहा है शेरू भैया, एक साबुन कम पड़ेगा, 2 साबुन से नहाओ। कालिदास, बिजली जाने के पैसे वापस दे दे और साबुन वहाँ पड़ा उठा के दे दे। छी छी, मैं तुम्हारा वापरा हुआ साबुन नहीं लगाऊंगी। अरे वापरा हुआ कहाँ, यहाँ तो नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, पॉकेट नवा का नवा रखा है। चल बे चल, इधर उठा के। अरे दीदी तुमने देखा नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया बुलबुल लाया हूँ। अरे मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी, सचमुच बुलबुल दिखता है लेकिन अभी तक पर नहीं निकली। अरे कुछ रोज भगत राम की सेवा करेगा, पर भी निकल आएंगे और उड़ना भी सीख जाएगा। तुम भी इतनी ही थी जब इस घर में आई थी, भगत राम ने किस तरह उड़ना सिखा दिया है। मगर मैं उड़कर तुम्हारे हाथ नहीं आई। हाँ मौसी, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। मौसी, मैं तेरी मौसी जैसी दिखती हूँ? तेरी माँ की कोई बहन है? नहीं। और माँ? बेचारा प्यार का भूखा है। बाजवट बाजवट, शेरू ये पहनो, अच्छी लगती हूँ ना? ए, कान खोल के सुन, जेल से वापस इधर ही आना अपनी बिजली की बाहों में। Thank you.
बुझाएगा बुझाएगा, आज कोई आएगा दिल से लगाएगा प्यार की मेरे प्यास बुझाएगा, बुझाएगा बुझाएगा बुझाएगा। आदत कहती हो, मेरा कलेजा जल रहा है, बरसों से मेरे दिल के अरमान अंगारों पे लौट रहे हैं और तुम नीच कमीने। ये तो तुम हमेशा कहती चली आई हो। तुम्हें याद है आज से 12 साल पहले एक अनाथ लड़की को गंगाराम कुंडे से किसने छुड़ाया था? वो मैं था भगत राम। क्या मेरे एहसानों का यही बदला है? तुमने कोई एहसान नहीं किया। तो फिर क्या किया था मैंने? दोनों भूखे थे, एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से हड्डी छीन। बिजली, मैंने अपनी भूख तो नहीं मिटाई थी। तुम झूठ बोलते हो, तुमने पूरी कोशिश की। कोशिश तो मैं करता रहा हूँ और कोशिश करता रहूंगा। तुम भूलते हो भगत राम, मैं किसी और की हो चुकी। जानता हूँ, शेरू मेरा ही बनाया हुआ हाँ, है। जिसने तुम्हारा शिकार छीन लिया वही शेरू आज शाम जेल से छुटकर आ रहा। मैं शाम होने से पहले सवेरा कर दूंगा। काश तुमने मेरा कहा मान लिया होता, ये जिंदगी छोड़ दी होती तो इस कुत्ते के पंजे से मेरा अंग गंदा न होता और न तुम जेल जाते। मगर तुम्हें पीने से कहां छुट्टी, पियो खूब पियो। Thank you.
जनता। चुप बे, अभी तक तेरी खोपड़ी सीधी नहीं हुई। हम लोगों को जनता से क्या लेना देना है? हमारे अन्नदाता तो धनवान लोग हैं। धनवान, जय धनवान बोलो। जय धनवान, जय धनवान। जरा जबान संभाल के बात कर, तेरा छक्का उक्का नहीं लगा मेरे पास। चोर तू, तेरा बाप। सामने तो उसका तो बाप भी नहीं लेगा। मालूम हो रहा आजकल जेल में अच्छा खाना देता है। चलो ए थरावरा हटा सब यहाँ से, हटा। पियो अंग्रेजी, पियो असली सफेद घोड़ा छाल। लेकिन बेटा ये अंग्रेजी दिखती तो नहीं है। क्या बात कर दो शिरू, मैं लखपति सेठ के घर में काम करता हूँ और अपना जो छोटा सरकार है ना जनार्दन बाबू, अरे हफ्ते में एक आध बोतल तो दे ही देते हैं। छोड़ यार, पीने के बाद फिर बंडल फेंकता। नहीं रे, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा फिर एक बताइए, तेरे बड़े सेठ का नाम क्या? बता दो अभी। श्री श्री राजेश्वर लखपति सेठ। राजेश्वर लखपति कह रहे, राजेश्वर नाथ लखपति है। मेरे मुंह पे हंसता है? अरे आंखों से की बात है, मुझसे भी ऊंची ऊंची दो तिजोरी धरी है। अबे खाली तिजोरी तो चोर बाजार में भी मिलती है। खाली खाली खाली। एक बात बता तो मानेंगे। बोल। उसमें अंदाजन होगा कितना? किसमें? तिजोरी में। वो नहीं बताऊंगा मैं, तुमको जान से भी मार डालेगा ना, फिर भी नहीं बताऊंगा मैं। मुझे पहले से मालूम था तू पी के बकवास कर रहा है। उल्लू का पट्टा झापड़ मारूंगा। शेरू तुमको तो मालूम ही है कि मैं ये सब बड़े धंधे छोड़ दी और काशी जाकर गंगा स्नान करके आया, ये पाप का मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा शिरू। नाराज ना होना शिरू। पूरा नहीं मानेगा। इतना सेंटीफुल क्यों हो रहे रे? मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? हाँ, असल में मैंने भी ये बुरे धंधे छोड़ दिए। सच? झूठ नहीं बोलूंगा दारू हाथ में। शाबाश शाबाश शिरू, मेरा भी मन अंदर से बोल रहा था कि तू एक दिन पलटी जरूर खाएगा। जरूर पलटी खाएगा। खाया? अभी पूछ क्या पूछना? अच्छा ये बताओ, किसको मांगता भाई? क्यों मैं इतनी जल्दी भूल गया? शेरू भैया। हाँ। अरे मैंने तो पहचाना ही नहीं। सेठ जी तो आज 3-4 दिन से तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। जाओ जाओ सामने बैठे। हेलो बॉस। हेलो। अरे मैंने कहा
ससुराल वालों ने अंग्रेजी भी सिखा दी? हाँ। वैसे कब आया वहां से? अभी अभी यार। मैं तो अच्छा एक काम की बात सुन। हाँ। एक छोकरा है 9-10 बरस का। छोकरा? हजार का काम है, अंडरस्टैंड? एकदम अंडरस्टैंड सेठ, पर ये काम जरा खटपटिया है, अपन को थोड़ा टाइम लगेगा। नो नो नो, हिम्मत कभी ना हारना। ऐ शेरू, छोकरी और पैसा हिम्मत से ही मिलता है। सेठ जी, छोकरी तो अपन के पास है, जरा खर्चे पाने के लिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ये लो खर्चे पाने के लिए। अरे ये क्या करता है? सेठ जी, 6 महीने के बाद एक पौवा भी नहीं। अच्छा अच्छा, जा ले जा, बहुत शरीर हो गया तू। देख इसको मैं पॉकेट में डाल दे। हाँ। और देख इस काम में अब देर ना हो। हाँ। हाँ? अच्छा फिर गेट आउट। हाँ? टाटा। हाँ। कहाँ था इतनी देर तक? बताता हूँ। गुस्सा नहीं मेरी जान, शांति। शांति का बाप, मैं 4 बजे से तेरी राह देख रही हूँ। वो तो सच है रानी, लेकिन क्या करूँ, जैसे ही मैं जेल से छूटा ना तो गेट पे अपने 2 बंदूक मिल गए पुराने, वही वो अपना टोनी और लल्लू कानिया। तुम जानती हो पुराने यार दोस्त है। पुराने यार दोस्त और दारू भी पीकर आया है। क्या कर रही है? क्या सुनते हो? अरे अरे खाली ना, अभी दीदी को पकड़ ले। दीदी अरे दीदी, देख अभी मुझे कुछ आ जाएगा। देख दादा, मैं अरे क्या कर रही है, बोतल फूट जाएगी। देख भैया, अकल भी है भैया, तुम कहो तो हम दीदी को पकड़ ले। बस बस, अगर तो किसी ने हाथ लगाया तो किसी के प्राइवेट मामले में दखल देना बुरी बात है। सॉरी बोलता हूँ, ठंडी हो जा, सॉरी बोलता हूँ। छोड़ दे, कौन है तुम, जाओ यहाँ से। तू कौन है मेरे बाल? इस दिन पहले आया हूँ शेरू भैया, इसका नाम है बिल्कुल नया रंगूर, एकदम नया। क्यों उस्ताद, भवानी पे बकरा चराना है क्या? चल फट। दीदी, रास्ते में शेरू भैया बोल रहा था कि तुम तो उससे बहुत प्यार करती हो। ठीक तो कहता था। अरे पल ऐसा कैसे प्यार दीदी? जा, तू नहीं समझेगा। उस्ताद, असली माल का मजा ही कुछ और। शेरू, इस माल की बात छोड़, मेरे माल की बात कर, मेरे 2000 रुपये का क्या हुआ? उस्ताद, वो तो मैं पिछले ही काम में चुका देता, लेकिन क्या करूं, आजकल अपन के जरा बेड लक चलता है। नहीं 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 नहीं, बेड लक कुछ नहीं शेरू, तुझसे भूल हो गई, गलती हो गई तुझसे। देख इतना बड़ा शहर है, चंदू नाम का एक छोकरा तलाश करना है। अरे कोई खाने की बात है, मिले तो 1 कलाक में मिल जाए, नहीं तो 10 साल में भी नहीं मिले, खाली पीली चानस लेने की बात है। अच्छा उस्ताद, वो राजेश्वर नाथ वाले मामले पे गौर करो। उस मामले पर गौर करना चाहिए, वहां तो काम भी वजनदार है और माल भी वजनदार है, इसे कहते हैं नकद, रोकड़ा रोकड़ा। उस्ताद, काम तो रोकड़ा है, लेकिन अपना राजू है ना राजू, वो कहता था कि वो मकान तो किला है, किला चारों तरफ लोखंड ही लोखंड है। अरे इतना माल है, रस्ते में बढ़ावा थोड़ी मिल जाएगा,
मेहनत करना पड़ेगी उस्ताद, मेहनत तो हम करेंगे। हाँ मेहनत तो तुम लोग कर लोगे, पर अक्ल की भी तो जरूरत पड़ेगी। उस्ताद अक्ल का कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारे सुन, पहले जगह देखनी पड़ेगी, फिर टाइम देखना पड़ेगा, फिर मकान के चारों तरफ घूमकर कोई कमजोर जगह तलाश करना पड़ेगी, और फिर ये सोचना पड़ेगा कि बिजली रानी का गुस्सा कैसे ठंडा किया जाए। अच्छा मैंने इसको कितनी मर्तबा समझाया कि किसी और से प्यार कर, लेकिन ये मानती नहीं है पगली। I'm sorry, उस्ताद, sorry. दारू की बात नहीं शेर, मैं तेरे को कितनी बकत बोल चुकी, ये सब छोड़ दो, मुझे जिंदगी बिल्कुल पसंद है। मेरा मन करता है, मुझे मालूम है तेरा मन क्या करता है। तू चाहती है कि हम दोनों इस तरह हाथों में हाथ डाल के सिनेमा देखने चले, गार्डन चले, होटल चले, और हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखना ना पड़े कहीं पुलिस तो नहीं लगी हुई। हाँ, और मैं छोटे से डब्बे में खाना लेके 12 बजे स्कूल जाया करूँ। छोटा सा डब्बा, छोटा सा डब्बा क्यों? अच्छा बच्चे लोग के लिए। तू फिक्र मत कर, उसका भी प्रबंध कर दो। चला शेरू, तू मेरे को जेल में याद करता? बिल्कुल नहीं, मुझे पता था। याद तो नहीं करता था बिजली, लेकिन हाँ जेल के 3-4 पत्थरों पे तेरा नाम जरूर खो दिया। सच्ची? अच्छा बिजली, एक बात तो बता, तेरे को रोज रात को नींद कैसे आती थी अकेले? मैं अकेली नहीं सोती थी। देखे इस किस्म का मजाक करेगी ना तो उल्टे हाथ का झापड़ रख दूंगा। मजाक नहीं, सच्ची, वो बिल्कुल तेरे जैसा था। जब तक मेरी आंखें बंद रहती थी वो मेरे पास रहता था, और जैसी आंख खुलती थी गायब हो जाता था। उसका भी नाम शेरू था। तेरी कसम रानी, मेरे को भी रोज रात को जेल में तेरा ही सपना था। एक आध मंदिर बनवा दिया, 2-4 ब्राह्मणों को खिला दिया, बस भगवान भी नरम हो जाते हैं। जिंदगी तो जिंदगी है, मरने के बाद भी पैसे वाले कदर होती है। शुद्ध घी से चिता जलती है, शुद्ध घी। तू 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 कब आया? बदला क्या देखा तूने? और तू कब मेरे कमरे में आया था? सच सच बता, नहीं तो मैं क्या करूंगा? माफी। सब समझते हैं भगत राम शेर मारते हैं, मगर आज पता चला भगत राम चूहे मारते हैं चूहे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसका जिगर देख रहा था। खूब देख रहे थे, बच्चे को छुरी दिखाकर? हाँ मैं यही तो देख रहा था कि ये छुरी के सामने कितनी देर तक ठहर सकता है, मगर नहीं नहीं नहीं, अभी बच्चा है, बहुत बच्चा है, इसे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। तो तुम इतना कष्ट क्यों उठाते हो? सिखाने पढ़ाने का काम मेरे पर छोड़ दो, आज से इसको मैं अपने साथ ले जाती हूँ। हाँ हाँ ले जा, खुशी के साथ ले जा। चल आज
आज से उस चंडाल की तरफ कभी मत जाना। अरे ना बुलबुल ना, तू तो मर्द बच्चा है और मर्द कभी नहीं रोते, चुप हो जा। मौसी, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे माता पिता मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्या मैं इतना बुरा हूँ? अरे पगले, बच्चा कैसा भी हो माँ बाप नहीं छोड़ते। तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो दुनिया वालों ने छुड़ा दिया होगा या भगवान ने। खैर, तू ऐसी बातें ना सोचा कर। अगर मेरी माँ होती तो? हाँ हाँ, वो सब मैं समझती हूँ। अच्छा, तूने तेरी माँ को देखा है? नहीं। तो यूँ समझ ले, तेरी माँ की शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी। मौसी, देख तमाशा देख जमोरे, देख तमाशा देख। मिनी स्कर्ट देखो, टाइट पतलून देखो, अंग्रेजी हेलो।
साले बैठे में तो निकले नहीं, जेब पे हाथ डाल दिया। भाई साहब ये पाकिट, ये पाकिट, ये पाकिट, ये किसका पाकिट है? मेरा पाकिट है। लो भाई साहब चालू पड़ो, मैं इसको भी लेके जाता पुलिस स्टेशन। कमीने, सबको जेल भेजने का विचार था का? हाँ, कालिदास बंद कर दे इसे कोठरी में, बंद कर दे। चल क्या बात है उस्ताद, किस खुशी में ये पिटाई हो रही? अरे इस जलील ने मेरे लाख रुपए के टिंगू मास्टर का हाथ तोड़वा दिया है। कैसे? अपना टिंगू उस्ताद मजदूरी कर रहा था, ये धर्मात्मा बीच में कूद पड़ा, बदमाशों ने मार मार के उसकी हड्डी फसली एक कर दी। अरे बेटे, नाम तुम्हारा भगत है उस्ताद और काम भगत का इसने करके देखा है। चलो उठाए भाई, चले तुम लोग, चलो भैया। शेर का बच्चा है, रो क्या रहा है? चल। हाँ उस्ताद, वो मकान इन दोनों ने देखा है। अरे हाँ उस्ताद, मेरे को तो अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। बहुत मुश्किल काम है उस्ताद, मैंने अपने आँखों से देखा। मुश्किल है कि आसान? शेरू, जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ठीक है उस्ताद, चलो इसी टाइम एक नजर देख लो। मगर इतना जल्दी? उस्ताद वो मकान शहर से बहुत दूर है, जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा चलो, मैं तैयार हूँ। चलो चलो। ओहो, तू नहीं समझ रहे बादशाह, तू नहीं समझ रहे। देख बिल्कुल, जरा भेजे से काम ले। तू अगर हम लोग के साथ रहेगा ना, तो तेरे को हमारा धंधा करना ही पड़ेगा। मैं कभी नहीं करूंगा, तुम सब चोर हो, चोरी करते हो। अरे वाह बेटा वाह। अरे अपने दोस्तों को चोर बोलता है, शर्म नहीं आती तेरे को? देख हम लोग 12-12 लाख काम करते हैं, गली कूचे के चक्कर लगाते हैं, हल्का और भारी पॉकेट का अंदाजा लगाते हैं, पुलिस के डर से अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, और इतनी मेहनत की मजदूरी को तू बोलता है चोरी है चोरी। चोरी नहीं तो और क्या है? हे बुलबुल, तेरा भेजा खराब हो गया बच्चे, जरा समझ से काम ले। देख मैं तेरा दोस्त हूँ, क्या मैं तुझे बुरे रास्ते पे डालूंगा? पर मैं चोरी नहीं करूंगा। मकान तो देख लिया, पूरा किला है किला। क्यों भाई, अंदर जाने का है कोई रास्ता? बिल्कुल नहीं उस्ताद। हाँ, तुम लोगों की खोपड़ी में तो गोबर भरा हुआ है, गोबर। क्यों शेरू, वो सामने वाली जाली की खिड़की दिखलाई थी, याद है? हाँ उस्ताद याद है, लेकिन उस खिड़की में भी तो लोहे का ही काम होगा। तो क्या हुआ, लोहा कट नहीं सकता है क्या? लोहा कट तो सकता है उस्ताद, लेकिन इतनी छोटी सी जगह में अंदर घुसेगा कौन? बच्चा घुस सकता है, अपना टिंगू मास्टर है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया, टिंगू का तो हाथ जख्मी है, सत्यानाश जाए उस बुलबुल के बच्चे का सारा काम चौपट करके रख दिया उसने। उस्ताद अपन को एक आइडिया आया। क्या? उसी से क्यों नहीं ये काम करवा ले? अरे नहीं नहीं, वो ना जाने की साधु सन्यासी की भूल चूक है, वो नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो उस्ताद, एक टांग भर के छोकरे को राजी नहीं कर सकते? अरे राजी तो मैं उसके बाप को भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐन मौके पर अगर अड़ी कर गया तो क्या होगा? उसकी फिक्र मत करो उस्ताद, मैं संभाल लूंगा। अच्छा अब सुनो, अबे सुनो, वो जो रास्ता है ना रानी, आज है ना रानी, आज मैंने फैसला किया, तू मेरे पे कितना भी गुस्सा करेगी ना, मैं तेरे पे जरा भी गर्म होने वाला नहीं। सच्ची? हाँ एकदम सच्ची। तू मेरे पे गुस्सा करके दे तो मेरे को पत्थर मारेगी ना, पत्थर। मैं क्या बोलूंगा मालूम है? मैं बोलूंगा हाउ स्वीट। तू मेरे को बदमाश बोल, बोल तो बोल। मैं क्या बोलूंगा मालूम है? मैं बोलूंगा यस माय डियर, व्हाट आई डू फॉर यू। मेरा शेरो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन क्यों? क्योंकि ये सब अच्छा नहीं है रानी, ये जितने भी पाप के धंधे है ना, मैं सब बंद कर रहा हूँ, चोरी डाका ये बेवड़ाबाजी सब बंद करो। बहुत अच्छा है, तो आज जहाँ डाका डालने जाना है वहाँ भी नहीं जाएगा? ये कैसे हो सकता है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। क्यों, ये पाप नहीं है क्या? देख रानी, तू बात को है ना समझा कर पहले। पुराने सब पापों को धोने के लिए ये पाप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पाप करने के बाद तो हम सब मालदार हो जाएंगे, और मालदार होने के बाद लोगों से मुंह छिपा कर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा? फिर तो बस मजा ही मजा, तू मैं और फिर वो सब छोटे 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 छोटे, यस मम्मी नो डैडी। इतनी जल्दी 6 महीने की जेल फूल गया? मैं कहता हूँ ये टाइम कोई खतरा नहीं है,
उस मकान में रहता ही कौन है? एक बुड्ढा और एक बुड्ढी। और कोई नहीं? वह है, उनका एक पोता है, लेकिन वो तो रात भर छोकरियों के साथ ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट। सुबह 7 बजे घर पे आता है। अच्छा शेरू, जो तेरे मन में आया कर, जाता है तो जा, लेकिन मैं बुलबुल को नहीं जाने दूंगी। देख रानी, ये बात में तेरे पे गर्म हो जाऊंगा, आखिर वो छोकरा तेरा लगता क्या है? भाई है, भतीजा है, बेटा है, कौन है वो? कोई नहीं, एक गरीब बच्चा है, मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन लंगड़ा छोकरा तैयार है जाने के लिए। मैं इसको नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। अरे झापड़ मारूंगा। मौसी, मौसी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा मौसी। चलो छोड़ो से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अबे छोड़ो ना, कपड़े फोड़ूंगा। जा बेटे जा, ये राक्षस नहीं मानेगा। चल बे, चल। मौसी, चल। भगवान करे तू इस बार लौट कर ना आए। सिगरेट ला, चल। जा, मर। वाला भी है कि नहीं? अरे उस्ताद आता ही होगा अभी। क्या आता होगा? आइए देखते कम 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 आइए आइए धर्मदास सेठ, बहुत देर कर दी आने में। क्या करूं भगत, ये जेरी सेठ के लंच और डिनर का भी इंतजाम करना था, आखिर इनका नौकर जो ठहरा। क्यों नहीं, बड़े आदमियों का इंतजाम भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? काम तो शायद तुमको मालूम हो ही चुका होगा, उसी छोकरे को तलाश करना है। 10-11 साल का गोरा चिट्टा लड़का है, आश्रम से भागा है, नाम है चंदू। शेरू ने जिक्र तो जरूर किया था, लेकिन आप जानिए इतना बड़ा शहर है और इसमें जरा से भगत, काम जरूर बहुत मुश्किल है, लेकिन जेरी सेठ ने इस काम के 40,000 कर दिए। जरा इधर आना। क्या बे? तुम आ तो जाओ मेरे साथ। सर, वही आश्रम से भाग कर आया। कौन भाग कर आया है? अरे वही अपना बुलबुल, उसी का तो असली नाम चंदू है। वो कैसे? उस्ताद, वो तो मैंने पुलिस के डर से झूठा नाम बोल दिया था। मेरे को क्या मालूम था कि वो इतना कीमती छोकरा है, वो तो कल सवेरे ही दे सकते हो। अच्छा अच्छा, तो चुप रहना, चुप रहना। मैं भी उस्ताद, एडवांस ले लेना। अबे उस्ताद को सिखाने चला। बात यूं है सेठ जी, ये काम तो आपका शायद हो ही जाएगा, मेरा ये चेला है ना, इसे एक लड़के का पता मालूम है, नाम भी उसका चंदू है। अच्छा? हाँ जी, और अता पता भी ठीक है, लेकिन इस सारी मेहनत में 5-6 दिन तो जरूर लग जाएंगे। 5-6 दिन?
कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक ये काम हो जाना चाहिए। मत बोलिए सेठ जी, ये खर्चे पानी के लिए जा। अरे खर्चे पानी की तुम फिक्र ना करो, ये लो 500 रुपया ले ले, 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 ले। काम हो जाना चाहिए। अजी काम हो गए समझो। अच्छा भगत। अच्छा अच्छा जी अच्छा। 40,000 की दुम तो हाथ में आ गई। अच्छा चोर सैदी, मैं इसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। शर्म नहीं आती इतने से बच्चे पर हाथ उठाते हो? मालकन ये बच्चा चोर है। नहीं ये बच्चा नहीं, नहीं ये बच्चा चोर। तुम कुछ भी कहो, ये बच्चा चोर नहीं हो सकता, मेरा दिल कहता है। चोर है या नहीं इसका फैसला पुलिस करेगी। हरगिज नहीं, आपके सीने में दिल है पत्थर, देखते नहीं बच्चा बेहोश पड़ा है। मैं इस हालत में से हरगिज घर से नहीं जाने दूंगी। खैर अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल सुबह तक देखा जाएगा। गुरुनाथ जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। चलो भागो यहाँ से। मैं बोलती थी ना बुलबुल को मत ले जाओ, मत ले जाओ गुंडे। अरे 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 ये सब बाद में करना, पुलिस आ रही है, सामान उठा। अरे शेरो जरा संभाल के लाना। अरे 12 बज चुके हैं, ये होटल बंद हो चुका है, चलो। ये होटल बंद कैसे हो गया? हा? हमारे लिए कैबरे फिर से होगा। अरे ये तुम्हारे धर्मदास का होटल नहीं है, यहाँ स्पेशल कैबरे के 2,000 लगते हैं। 2,000 माल निकालो। मियां पहले 20,000 का कुछ पता नहीं है, और अगर वो छुटका चंदू तुम्हारे हाथ नहीं लगा तो क्या करोगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, माल निकालो। अच्छा हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। मैनेजर
वरना हम तो तुम्हारे चलते फिरते बैंक हैं। ये लो रुपया, हमारे लिए कैबरे फिर से होगा। थैंक्स सर। देती नहीं है, अच्छा हो जाएगा। सर जी, बच्चा किसका है? भगवान जाने किसका बच्चा है। आप खामोश रहिए डॉक्टर साहब, अब दवा भिजवा दीजिए। अभी भिजवाता हूं। राजू, डॉक्टर साहब के बैग पहुंचा दो गाड़ी तक। अपना बच्चा कहने से आपका क्या बिगड़ता है? इस चोर लफंगे को मैं अपना बच्चा नहीं कह सकता। नहीं, नहीं नहीं बेटे, तुम चोर नहीं हो। चोर नहीं है वो, तो अदालत में मालूम होगा। क्या मतलब है आपका? लक्ष्मी, जुर्म छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। डॉक्टर कह गया लड़का खतरे से बाहर है, अब हमें फौरन पुलिस में इत्तला कर देनी चाहिए। हरगिज नहीं, जब तक ये बच्चा तंदुरुस्त न हो जाए और मैं इसकी कहानी नहीं सुन लूं, मैं इसे पुलिस में नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तुम समझती क्यों नहीं, चोर कभी अपने आप को चोर कहेगा? फिर ये पता तो चल ही जाएगा ना। ओहो, अच्छी बात है, दो चार दिन और सही। चुप रहो उल्लू के ठप्पो। शेरू, मैंने तेरे से पहले ही बोला था उस मनुष्य चंदू को अपने साथ ना ले जा, ना ले जा। तूने नहीं माना, देख लिया नतीजा। तुम भी खामोखा तिनके का पंबू बना रहे हो।
वो अड्डा तो हमने छोड़ दिया और इस अड्डे का पता तो उसे मालूम नहीं, फिर डर खाएगा। अरे मैं कहता हूँ डर है, बहुत खतरा है। वो यहाँ का पता नहीं जानता, लेकिन सब छोकरों के थोपड़े तो पहचानता है। इन लोगों का शहर में घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। शेरू, किसी भी कीमत पर उस छोकरे को वापस लाना ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तू चुप रहे उस्ताद के बाप। मैं कहती हूँ तुम लोग सब उस बेचारे के पीछे क्यों पड़े हो? वो कुछ नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा छोकरा है। उसकी अच्छाई बुराई का पता तब चलेगा जब सबको एक लाइन से हथकड़ी लग जाएगी। अरे उस्ताद तुम फिक्र मत करो, दो चार दिन में सब ठीक कर दूंगा मैं। ये कर रहा है? ये तस्वीर देखी तुमने? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों, तुझे क्यों अच्छी लगती है? पता नहीं, ये किसकी तस्वीर है? मेरे बेटे की, मगर भगवान ने उसे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मुझे बेटा बना लो, मैं बड़ा होके भी ऐसा ही हो जाऊंगा और तुम्हें माँ बोलूंगा। ना चंदू, तेरी माँ तो जवान होगी, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, तू मुझे दादी माँ कहा कर। अच्छा दादी माँ, ये कमरा किसका है? ये उसी का कमरा है बेटे। ये कमरा तो बहुत अच्छा है, और ये पलंग भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ आने से पहले मैं कभी पलंग पे नहीं सोया। क्यों, जहाँ तू रहता था वहाँ? मैं तो पहले आश्रम में रहता था, वहाँ तो जमीन पर सोना पड़ता था और गद्दा भी नहीं था और पेट भर खाने को भी नहीं मिलता था, तो मार बहुत पड़ती थी बेकार बेकार को। अब तो सब भूल जा बेटे, यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटे तुझे पता है वहाँ आश्रम में तुझे कौन लाया था? नहीं दादी माँ, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, मगर तू इस शहर में आया कैसे? भाग के आया था, उन लोगों ने मुझे कोठरी में बंद करके रखा था और मारा भी बहुत था। तो तू भाग आया? और मैं वहाँ। अरे नहीं नहीं बेटे, रोते नहीं, कोई बात नहीं, आओ बाहर चले चलो। वाह दादी माँ, वो पलंग तो बहुत ही बढ़िया है और कमरे की हर चीज बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है ना बेटे, ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए सजाया है। हाँ, और बेटे यहाँ की हर चीज तुम्हारी है, जब भी कोई चमत्कार दिखाना हो, कोई भी कीमती चीज उठाकर जिस खिड़की से आए थे उसी खिड़की से रफू चक्कर हो जाना। आखिर आपको हो क्या गया है, हाथ धो के बच्चे के पीछे पड़ गए। देखो लक्ष्मी, तुम्हें भी इस बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, अभी काफी हो चुका है, नाटक बंद कर। सुनो, अब मैं इस चोर को अपने घर में नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते? मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चा चोर नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या उसके माथे पर लिखा हुआ? जरूर लिखा है, इसकी आंख नाक होंठ माथे सब पर लिखा है कि ये बच्चा शरीफ है। ये देखो, इसकी शक्ल मेरे राजेंद्र से कितनी मिलती है, जान पड़ता है जैसे ही मेरे राजेंद्र का ही लड़का हो। तुम कहना क्या चाहती हो, ये छोकरा हमारे राजेंद्र का बेटा है? हो सकता है, मेरा मन कहता है। लक्ष्मी, जख्मी ममता के गमों ने तुम्हें पागल बना दिया है, एक बदमाश आवारा लड़का हमारा खून नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। आप कुछ भी कहिए, ये बच्चा कभी पुलिस में नहीं दिया जाएगा। जरूर दिया जाएगा, मैं अभी फोन करता हूँ। छोड़ दो लक्ष्मी, छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। कपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। ढूंढे जिसे मन सामने है वो जाए न लेकिन पहचाना। कैसे वो मालिक
दिखे तुझे जब, कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब, साथ तेरे अभिमान चले। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। शेरू सुनिए जो। हाँ बोलो। आगे क्या हुआ है? हाँ, लड़के ने ठोकर खा के गिरा और कोठी में सब जग गए। अच्छा। उसके बाद जो धमाका शुरू हुआ कि पूछो मत, मतलब अपना फाइट। अच्छा। हाँ, इधर से डाकू आया, यूं पकड़ा, यूं फाइट मारा। अच्छा। हाँ, फिर इधर से एक आया, ये डाकू को पकड़ के यूं लात मारा गिरा। अच्छा, पीछे से? पीछे से कोई नहीं। अच्छा। सामने से डाकू आया, चगू निकल के खड़े हो गए, यूं घुमा रहे, यूं घुमा रहे। अच्छा। और तुम्हारा जो वो चाप है ना, उसको यूं मारा, ये चाप मारा, वो गिर गया उधर, माफ करना। अरे उसके बाद सब चले गए। अरे अपना हाथ के नीचे कौन खड़ा रहता? क्या एक डाको ने इधर बहुत मारा हमको, बहुत मारा। अरे बहुत मारा, दो मिनट में सब यहाँ से चले गए। समझे, मजे की बात यह है कि एक पैसे का माल भी नहीं लेके गए, सिर्फ ये छोड़ गए। थोड़ा आराम मिलेगा, इसीलिए दे रहा हूँ। लक्ष्य, दो पाव से लाना। अच्छा, उस बच्चे को तो सेठ जी ने पुलिस का हवाले कर दिया। अरे नहीं, अब सुनो मजे की बात। अरे आप असली भगवान की लीला देखो, अपने जो सेठानी है ना, सेठानी, अरे उनसे उस बच्चे का ऐसा प्यार हो गया, लगता है कि उन्हीं का बच्चा है। और अपना जो मोटा सेठ है, सेठ मोटा, वो क्या बोलते हैं मालूम है, ये बच्चा चोर है, डाकू है, बदमाश, इसको पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस के हवाले कर दो। सेठानी क्या बोलती है, बोलते अजी आप चुप रहो जी, आपको तो हाई ब्लड, हाई ब्लड है। कमाल है, कमाल है। लेकिन भाई इतना सा छोटा बच्चा इस दो दिन में क्या रोआ हो गया इसका। अच्छा। मालूम है? अरे उसके लिए एक दर्जन कमीज, पतलून, आधा दर्जन जूते। अच्छा? ये सब आ रहा भाई। अच्छा। और उसको पढ़ाने के लिए एक मास्टर की भी तलाश हो रही है, समझे। अरे पेपर में भी छपा दिया। अच्छा। तो आप मास्टर जी हैं? जी हाँ, ये इश्तेहार आप ही ने दिया था पेपर में। ये तुमने दिया? जी हाँ। आपने जिंदगी में कभी पढ़ाने लिखाने का काम किया है? अजी ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हाँ समझा समझा, यानी आप खानदानी टीचर हैं? बिल्कुल सेठ जी, आपको मेरे नाम से ही विश्वास हो जाएगा, मेरा नाम है पंडित विद्या प्रसाद गुरुवंशी। सेठ जी बड़ी लंबी जड़ का ब्राह्मण हूँ मैं। अरे यहाँ क्या कर रहा, चल मास्टर जी। जीती रहो जानते हैं? सभी चालू जबाने। क्या चालू? मेरा मतलब है कि यही अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, कोंकणी। बस बस बस, चंदू के लिए इतना ही काफी। मास्टर जी मैंने आपको रख लिया है, आप कल से चंदू को पढ़ाने के लिए आ जाइए। लक्ष्मी, पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है, मैं चंदू को इस घर में नहीं रखूंगा जब तक मुझे पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए कि वो चोर नहीं है। मैं कहती हूँ वो चोर नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो चोर है। नहीं है। जरूर है। इसमें युद्ध करने की क्या जरूरत है, मामूली सी बात है। देखिए, आप उस बालक के हाथ में 100 रुपए का नोट देकर बाजार में कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए भेज दीजिए, अगर वो वापस आ गया तो चोर नहीं, अगर अदृश्य हो गया तो चोर है, सीधी सी बात है। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, वो जरूर वापस आएगा, आप अभी भेज के देख लीजिए। आज रविवार है सेठ जी, मैं भूल ही गया था। आप ऐसा कीजिए, उस बालक को कल सुबह 11 बजे किसी पुस्तक भंडार का पता दे के वहाँ भेज दीजिए। ठीक है, प्रीमियर बुक शॉप में भेज दो। कौन से? प्रीमियर बुक शॉप। जरूर भेजूंगी। अच्छा तो फिर हम प्रस्थान करते हैं, कल शाम को खबर लेने आ जाएंगे। नमस्ते। जीती रहो बेटी, जीती देख लीजिएगा, वो जरूर वापस आएगा। मैं कहता हूँ कि वो नहीं आएगा। जरूर आएगा।
क्या बात है बिजली, आज बड़ी धांसू लग रही है। बस बस रहने दे, मैं तेरे को खूब जानती हूँ। कभी तो ये स्वीटली बात किया कर तू। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। आज कोई लंबा हाथ मारा है क्या? बड़ा खुश नजर आ रहा है। बस बिजली, अब अपन के दिन फिरने वाले। बहुत जल्दी मैं तेरे लिए एक मोटर लाने वाला हूँ, फिर तू जैसा बोलेगी ना वैसा ही करूंगा। बस तू उसको लाने में थोड़ी मदद कर। क्या मतलब, किसको लाने के लिए? वही अपना 40,000 वाला चंदो। बस वो इधर आया, उधर तेरे सारे सपने पूरे हुए। देख शेरू, मैं तेरी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन ये बात कभी नहीं मानूंगी। चंदू अच्छे घर में पहुंच गया है, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, मैं ये कभी नहीं करूंगी। क्या मतलब है तेरा? तेरे को वो छोकरा प्यारा है? हम सब पकड़े जाएं, जेल जाएं, उसकी फिक्र नहीं है? चंदू अच्छा लड़का है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। देख बिजली, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो आज तुझे फैसला करना होगा, या तो तू चंदू को चुन ले या मेरे को। तेरे को प्यार करती, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। सब कहने सुनने की बात है, औरत की जात पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। आज मालूम हुआ तेरा प्यार क्या है। मैं जा रहा हूं, अब जिंदगी भर तू मेरा मुंह नहीं देख सकेगी। कहां जा रहा है तू? तू मेरे को छोड़ के जा रहा है? फैसला तूने ही किया। चल चल, बड़ा है अपनी बिजली को छोड़ के जाने वाला। सुना नहीं तेरी बिजली ने क्या कहा? शेरू, मैंने जिंदगी में सिर्फ तेरे को चाहा, अब अगर तू गुंडा और बदमाश है तो ये मेरी किस्मत है। देख बेटे, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना दादी माँ। हाँ, तो बड़ा होशियार है, और सीधा पिलमेर बुक शॉप पर जाना, पता याद है ना? हाँ। ठीक पंजाब नेशनल बैंक के सामने, समझे? बस किताबें लेकर फौरन घर आ जाना, और बेटे नोट संभाल कर रखना। कहाँ है? ये जेब में। बस भगवान का नाम लेकर जा बेटे, जा। देखती हो कितनी तेजी से जा रहा भगवान का नाम लेकर। ओहो, आपके मुंह से तो कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी। शेरू भैया, मेरे को तो लफड़ा लग रहा है बात, इतना टाइम चल गया अब तक क्यों नहीं आया? फिक्र मत कर, चल जाएगा। भगवान करे उसको बुखार आ जाए। क्या था? कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आएगा कि नहीं आएगा। काला भैरू पीर बुलाओ, फांस के बुलबुल जल्दी लाओ। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आ गया, आ गया। थी कि जान बुझ के गिर गया था। बच्चे को जान से मार डालोगे? शर्म नहीं आती? रखो दीदी, तुम बीच में पढ़ना नहीं, इसने तो हाथ लगाया। किसी ने हाथ लगाया तो जान ले लूंगी। अच्छा चल, बहुत अच्छा, चल छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कमीने ले जा, छोड़ दो, ले जा इस बदमाश को, ले जा, खबर कर दो इसे, और खबरदार किसी से खाना मांग जाते।
छोड़ दो। मैं क्या, आप मटका उतरवाओगे या पटक दो दोनों तुम्हारे सर पर? अरे देखते रही भगवान, मेरी कुल्हाड़ी अटक गई है। अरे राम, अंधों की तरह काम करता हूँ। अरे जिंदगी में जो काम नहीं किए वो करने पड़ रहे हैं तेरे कारण। मेरे कारण? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कितना तुमसे कहा, इतना खाओ जैसे दाल में नमक, मगर तुम तो रुपए के 14 आने हजम करने पर तुले हुए थे। ना तुम इतना खाते, ना सेठ को शक होता, ना तुम्हारे हिसाब की जांच होती, ना हमारे सामान की तलाशी होती, और ना मेरे रुपए जाते। अरे तलाशी वलाशी से कुछ नहीं होता, अगर तू मेरी बात मान ली होती। और कौन सी बात मान लेती, 10 बरस से सारी बातें मानती आ रही हूँ, अच्छी बुरी उल्टी सीधी सब। हाँ। गलत है, बिल्कुल गलत बात कर रही है तू, हमेशा उल्टी मानी है, सीधी कभी नहीं। आज तुझसे 6 महीने से कह रहा था कि 5,000 रुपए बैंक में अपने नाम पर रख दे, लेकिन तू दौलत को छाती पर रख कर सोना चाहती थी। अरे ये तो सेठ ने दया की, नहीं तो हम दोनों जेल में चल रहे होते। अच्छा होता, जेल की जिंदगी इस जिंदगी से 1000 दर्जे अच्छी होती। मुझसे ये मुसीबतें सहन नहीं हुई, मैं कहीं चली जाऊंगी। निराश ना हो गौरी, कल सेठ राजेश्वर नाथ के पास चलेंगे। उनके पास जाकर क्या फायदा, तुम्हारे पास धरा ही क्या है, जो कुछ था जेरी सेठ ले गया। सब कुछ है, ये देखो सेठ राजेश्वर नाथ के लिए ये लॉकेट बहुत जरूरी चीज है, उनके बेटे की आखिरी निशानी। शेरो, ये तो सब ठीक है, बिल्कुल बरोबर है, पर मैं कहता हूं अगर वो तेरा जेरी सेठ है ना, है वो जेरी सेठ ने अपना ख्याल बदल दिया, छोकरे को खरीदने से इनकार कर दिया, तो अपना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरा 40,000 रुपए का मामला है, 40,000 रुपए का। अरे उस्ताद, उसका बाप भी इनकार नहीं कर सकता। देखो उस्ताद, जेरी सेठ को अच्छी तरह मालूम है कि राजेश्वर नाथ की कुल दौलत का चंदू ही असली वारिस है। अगर जेरी सेठ ने चंदू को अपने रास्ते से हमेशा के लिए साफ नहीं किया तो वो खुद फुटपाथ में नजर आएगा। ओह, अब समझा, मत बोलिए कि ऐसे। अरे ठीक भी है, वो छोकरा अपने किसी काम का तो है नहीं, मैं कहता हूँ अपना माल खड़ा हो जाएगा और हमेशा के लिए खिटपिट भी दूर हो जाएगी। अरे भाई, ओ भाई, बात ये तो निकाल। चंदू, मौसी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे माफ कर दे चंदू, ये भूल भी मुझसे प्यार में हो गई, मुझे नहीं पता था ये बदमाश तेरे पर इतना जुल्म करेंगे। मैं वचन देती हूँ, मैं तेरे को वहीं पहुंचा दूंगी। तो क्या तुम? हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। मौसी, तुम बहुत अच्छी हो, और देखो मौसी, उधर जाके तुम सिर्फ दादी माँ को ही मिलना। क्यों? दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, उनसे कहना चंदू चोर नहीं है, बिल्कुल चोर नहीं है। और ये लो 100 का नोट, दादी माँ ने मुझे किताब खरीदने के लिए दिया था, मैं उन्हें वापस लौटा देना। दे दूंगी, ये ले, थोड़ा सा खा ले। और मौसी, ये नोट जरूर पहुंचा देना, मुझे दादी माँ मुझे चोर समझेगी। तेरा भी तीसरा और मेरा भी। कमाल है, आज तेरे को सडनली क्या हो गया, पहले तो कभी नहीं पीती थी। मेरी खुशी, तू तो साल भर पीता है और मैं एक दिन भी नहीं पी सकती। नहीं, जरूर पी सकती, लेकिन आज तू मेरे पीने पे इतना जोर क्यों दे रही है? इसलिए कि पीने के बाद तेरे मन में बहुत प्यार आ जाता है, और फिर जब तू मेरी तरफ देखता है तो मेरे मन में कुछ ऐसा ऐसा होने लगता है। तेरी चाहत में
अपनी आँखों से सदा मुझको बुलाना साथी, एक प्यासे को कहीं भूल न जाना साथी। खुद तो बदनाम हुए हमको बदनाम किया, बताना मुश्किल, और आहों को छुपाऊं तो छुपाना मुश्किल। हाय हाय ये नाज ये अंदाज न देखा हमने, आज तो तुम मुझे जन्नत की परी लगती हो। बदनाम हुए हमको बदनाम किया, खुद तो बदनाम। आज तो दिल तेरे कदमों पे झुका जाता है, तेरे जलवों से ये मदहोश हुआ जाता है। खुद तो बदनाम हुए हमको बदनाम किया, बदनाम हुए हमको बदनाम किया, ओ खुद तो बदनाम हुए हमको बदनाम किया, खुद तो यकीन आ गया। हाँ हाँ, राजेंद्र का ही लॉकेट है। तो क्या चंदू राजेंद्र का ही बेटा है? भगवान, मेरा बच्चा। अरे सरकार, ये तो हमारे नसीब खराब है। अगर चंदू नहीं आज भागा होता तो हमें सरकार से नमा लूम क्या इनाम मिलता। थर, थर, क्या होता, गरीब परिवार में बहुत गरीब आदमी है। चलिए राय जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये बदमाश आपको ब्लैकमेल कर रहा है। और ये कुछ दिन पहले भी आया था, चाची जी की चिट्ठी दिखा कर 15,000 में चंदू का सौदा किया था। लेकिन दादाजी, जब मैं इसके साथ आश्रम पहुंचा तो वहां से चंदू भाग चुका था। मगर बाबूजी, वो चिट्ठी तो आप ही के पास है, और वो जब लड़का ही नहीं मिला तो चिट्ठी किस काम की? अगर खैरियत चाहते हो तो फौरन निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की कोई जरूरत नहीं बाबूजी, हम खुद ही जाते हैं। जाओ, पता नहीं कहाँ से चले आते। और दादाजी, आप भी बहुत सीधे, हर एक की बातों में आ जाते। जी
तुमने उस चिट्ठी के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? दादाजी, मैंने तो जानबूझ के आपको कुछ नहीं बताया। मैं दादी माँ को सरप्राइज देना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि जिस दिन मैं चंदू को लाके दादी माँ की गोद में बिठा दूंगा तो वो कितनी खुश होंगी, है ना दादी माँ? दादी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैंने शहर में बहुत से आदमी लगा रखे, वो चंदू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। और दादी माँ, आपने मुझे भी तो अपनी औलाद की तरह पाला है ना? हाँ हाँ बेटे, तुम भी मेरे बच्चे हो, लेकिन जब एक बच्चा बिछड़ गया है तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? दादी माँ, आप बिल्कुल बेकार में फिक्र कर रही, मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा, आखिर चंदू मेरा भी तो भाई है ना। आपको खबर देने आई हूँ कि आपका पोता चंदू भी उन्हीं गुंडों के पंजों में फंसा हुआ है जिनके साथ मैं रहती हूँ। तुम किस चंदू की बात कर रही हो जो हमारे घर में चोरी करने आया था? जी हाँ, मगर वो चोरी करने के लिए नहीं आया था, उसको उन लोगों ने जबरदस्ती इस घर में दरवाजा खोलने के लिए भेजा था। ये लीजिए 100 का नोट जो आपने चंदू को दिया था। सुन लिया आपने, मैंने कह दी थी कि चंदू चोर नहीं है। तुम चुप रहो लक्ष्मी, तुम चुप रहो। तुम कैसे कह सकती हो कि वो चंदू हमारा ही पोता है? इसलिए कि आप जैसे धनवानों का लड़का ही इतना कीमती हो सकता है, कोई उसको 40,000 में खरीद रहा है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी मगर नाम सुना है, वो आप ही का कोई सगे वाला है, उसका नाम है जेरी। क्या कहा तुमने? जेरी? जी हाँ, वो चंदू को जान से मारकर आपकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। जेरी, लड़की, मुझे मालूम नहीं था कि मैंने अपने आस्तीन में सांप बांधा है। चंदू को बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम रहती कहाँ हो? बोलो, मैं पुलिस लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मैं आपको अपना पता नहीं बता सकती, मैं पुलिस लेकर वहाँ नहीं जा सकती। मगर क्यों? उन चोरों में मेरा आदमी भी है और 6-7 दूसरे लड़के भी हैं, जिनका इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं। अगर उनको कोई सहारा देने वाला मिल जाए तो अब भी उनकी जिंदगी सुधर सकती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं सब लड़कों को पाल लूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, बस तुम मेरे चंदू को जीता जागता मेरे पास ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ, मैं कोशिश करूंगी। इस लड़की का पीछा कर और जाकर पता लगा वो कहाँ रहती है। जी जल्दी वापस आ। बहुत अच्छा। दीदी ने अंदर जाके क्या बात किया ये अपन को मालूम नहीं, लेकिन गई थी उसी सेठ के घर में। हाँ। लेकिन उस्ताद, दीदी अपन लोग के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। चुप भाई, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? मुझसे बिना पूछे कहीं जाने का क्या मतलब? क्यों भाई, वही काम? उस्ताद, मैं तो दूसरे रास्ते से आया, वो अभी आ रही होगी। तुम सब कान खोल कर सुन लो, हमारे कारखाने का असूल है कि हर दगाबाज की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, उसके शरीर को सदा के लिए शांत कर दिया जाए। क्यों, ऐसा है कि नहीं? हाँ उस्ताद, लेकिन 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 कुछ नहीं। अगर ये साबित हो गया कि बिजली ने हमारे साथ गद्दारी की है तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो एक गद्दार के साथ किया जाना चाहिए। कानून सबको एक नजर से देखता है,
मैं तुम्हारी अच्छी दीदी के लिए अपनी और तुम्हारी जानें खतरे में नहीं डाल सकता। मैं एक के लिए 20 जानों की भेंट नहीं दे सकता। मकार, दगाबाज, कहां गई थी? नहीं बताऊंगी। बिजली तुम्हारी औरत नहीं है। बोल बोल, तुझे बतलाना होगा तू कहां गई थी। बिजली, तू इस तरह भगत राम की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। दुनिया भर की ठुकराई हुई जबान संभाल कर बात करो उस्ताद। आवारा किसको कहते हो? इसको कह रहा हूँ शेरू, ये हम लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। ये राजेश्वर नाथ से मिलने के लिए गई थी। पूछ पूछ इससे क्यों गई थी। बिजली, हाँ गई थी, इसीलिए रात को मुझे दारू पिलाई थी। क्यों गई थी? शेरू, ये चंदू का पता बताने के लिए गई थी। नहीं, फिर क्यों गई थी? मैं उसकी दादी माँ को तसल्ली देने गई थी। कहने गई थी कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे बच्चे को बदमाशों के पंजे से छुड़ा कर ले आऊंगी। अब क्या इरादा है शेरू? मैं ये जुल्म नहीं देख सकती। जब तक मेरी जान में जान है, मैं चंदू को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूं। पागल मत बनो बिजली, हमारे कानून में गद्दारी की सजा मौत है। जानती हूँ, फिर भी कोशिश करूंगी, जरूर करूंगी, जरूर। एक लाल गाड़ी इधर आ रही है। लाल गाड़ी? लाल गाड़ी? अबे जा भाग के जल्दी ले आ। उस्ताद तेरी सीट की है। आइए सेठ जी, आइए आइए आइए। लड़का है तुम्हारे पास? जी हाँ। आइए। गुड मॉर्निंग जेरी सेठ। गुड मॉर्निंग। लड़का कहाँ है? मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे सेठ, ऐसी भी क्या जल्दी है, दो मिनट दम ले लो। लड़के को खरीदने का रुपया तो तुम लेकर आ गए हो, तो तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तुम जल्दी से लड़के को बुलवाओ। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, जानी है वे जानी। जा चंदू को बुला के ला। अच्छा उस्ताद, और सुनो उससे कह देना तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है, दादी माँ ने बुलवाया है। ये कुछ बात हुई, भाई लेने आया है, दादी माँ ने बुलाया है, वाह वाह। चल यार मजा कर, तुम्हारे मुसीबत के दिन खत्म हो गए। तुम्हारे दादी माँ ने तुम्हारे भाई को तुमको लेने के लिए भेजा है। सच्ची? दादी माँ ने भेजा है? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चल के खुद ही देख ले। चंदू, मौसी, मौसी मैं जा रहा हूँ। जानती हो कहाँ जा रहा हूँ? मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है। पर मौसी तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने गुनाहों को रो रही हूँ। मैं तेरे को हलाई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, मुझे माफ कर दे चंदू। माफ कर का मौसी, मैं फिर वहाँ जा रहा हूँ दादी माँ के पास। तुमने तो वो घर देखा है, कितना अच्छा घर है। मैंने देखा, बहुत अच्छा घर है। और मौसी सुनो, कान पास लाओ, तुम्हारी तरह दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मैं तुमको भी उधर बुला लूंगा। चंदू इतना प्यार मत कर, प्यार की जिंदगी बहुत छोटी होती है। तू चला जा, तुझे देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। भगवान मुझे क्षमा कर दो,
मुझे क्षमा कर दो। ये लो 40,000। हेलो चंदू, मैं हूं तुम्हारा चचेरा भाई जेरी। सच्ची? हाँ। देखो दादी माँ ने कितने रुपए देके तुम्हें खरीदा है। हाँ हाँ, गिन लो, पूरे 40,000 है। आओ चले। दादी माँ कैसी है? बहुत अच्छी है। भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तेरे को माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। ये तो क्या बोल रही है बिजली, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया। ये इतने सारे रुपए सब तेरे लिए। भाग जा, पैसों से एक मासूम बच्चे के खून की बू आ रही है। मौत से जिंदगी नहीं, सिर्फ मौत ही खरीदी जा सकती। बिजली, भगवान के लिए मुझे पट्टी बांध दे। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, सब पाप के धंधे छोड़ दूंगा। ला, ला पाने। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, वरना मैं मर जाऊंगी। शेरू, अगर तू बिजली को चाहता है तो किसी तरह भी चंदू को जिंदा मेरे पास ला, नहीं तो। नहीं बिजली, नहीं। अच्छा बिजली, मैं तेरे चंदू को अभी लाता हूँ। जल्दी करो, मेरे पास समय बहुत कम रह गया। अभी जाता हूँ बिजली, मैं तेरी कसम खाता हूँ, जब तक तेरा शेरू जिंदा है चंदू को कुछ नहीं हो सकता। काम से बाहर गया हुआ था, तभी तो तुम मुझे नहीं दिखे। राजू तो हमेशा जेरी शेर बोला करता था। भैया, तुमने मेरी माँ को तो जरूर देखा होगा। नहीं, तुम्हारे पिताजी नाराज होकर घर छोड़ के चले गए थे। उन्होंने दूसरे शहर में शादी की। फिर वो घर वापस कभी नहीं आए? नहीं, उनकी कोई खबर भी नहीं आई। किसी को ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या नहीं। अगर उनका पता लग जाता तो मैं उनके पास जरूर जाता। भगवान करे उनका पता लग जाए। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा। सच भैया, पहुंचा दोगे मुझे बीरा जी के पास? हाँ पहुंचा दूंगा। तुम तो बहुत अच्छे हो भैया। Oh!
संभाल रहे। बदमाशों ने मेरे साथ दगा की, रुपया भी ले लिया और चंदू को भी नहीं दिया। झूठा कहेगा। मगर हैं कहाँ वो? किधर रहते? यही रहते थे, मगर अब आपको कोई नहीं मिलेगा। सब भाग गए, सब भाग गए। जाओ तलाश करो। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। नालायक, बेशरम, ऐसा फरामोश, तो चोर भी है और कातिल भी। इंस्पेक्टर, हथकड़ी लगा दो। दादाजी, दादाजी, दादाजी। पुलिस। दोस्तों को भी बुला ला। आज से तुम्हारा ये घर उनका भी घर है। सच? हाँ हाँ बेटे, अब ये सब तुम्हारे साथ रहेंगे। सच दादी माँ? हाँ हाँ। धर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। धर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। दिल है तेरा, दिल
है तेरा साफ तो प्यारे घर में मथुरा काशी है सच्चाई की राह चलो रे सच्चाई की राह चलो रे जब तक जीवन प्राण चले राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि काल कपहिया घूमे भैया लाख तरक इंसान चले लेक चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि।